Hello, my dear student. Welcome again in my YouTube channel, and this is Ankit Tiwari. Today we will discuss about a circulatory system of the human being of the life process chapter 1 of class 10th. Before it, अगर आप इस YouTube चैनल पे नए हैं, इससे पहले आप अगर हमारे वीडियोस को नहीं देखे हैं तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो का इंफॉर्मेशन बड़ी आसानी से आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं ह्यूमन के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कि क्या होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। मेरे प्यारे बच्चों, हम प्रीवियस वीडियो में बता रखे हैं क्या होता है ब्लड। मैंने कहा था कि जो ब्लड होता है वो इसका दो हिस्सा होता है, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है कैप्सूल्स। हमने कहा था बच्चों, प्लाज्मा जो होता है वो लगभग ब्लड का 92% हिस्सा, उसमें वाटर होता है। प्लाज्मा में 92% हिस्सा वाटर होता है और 6-8% प्रोटीन पाई जाती है। अगर हम कार्पसल्स की बात करते हैं तो कार्पसल्स में तीन होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का पहला नाम तो रेड ब्लड सेल, दूसरा नाम उसका एरिथ्रोसाइट होता है। डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड सेल या फिर ल्यूकोसाइट होता है और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट होता है। आरबीसी के बारे में अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो आरबीसी रेड इन कलर होती है और रेड इन कलर हीमोग्लोबिन के चलते होता है और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो बनता है वो रेड बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो हमारे सबसे जो लंबी वाली बोन है, फीमर है, उसके बीच में खाली जगह होता है, उसके अंदर वो बनता है, रेड बोन मैरो में बनता है। उसके बाद हमारा जो लाइफ साइकिल होता है आरबीसी का 120 डेज होता है। ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी 120 दिन के बाद, मरने के बाद जाकर के स्प्लीन में क्या होती है, ये आरबीसी डिपॉजिट होती है। इसके अलावा अब अगर आरबीसी जब डिपॉजिट होती है, जो रेड ब्लड सेल मरती है, तो आपको बता दें एक विचित्र बात जो आप लोग कभी सोचे होंगे लेकिन उसका आंसर नहीं मिला होगा। जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल होती है, इसके अंदर पाया जाता है हीम, यानी कि आयरन, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन कुल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, हीम प्लस ग्लोबुलिन। ठीक है, हीम प्लस ग्लोबुलिन। ये ग्लोबुलिन नाम का जो प्रोटीन है, यही प्रोटीन जब ब्रेक होता है तो प्रोटीन ब्रेक होकर के हमारे फीकल मटेरियल को स्मेल प्रोवाइड करता है, क्योंकि यही बनाता है बाइली रूबीन और बाइली वर्डीन। हमारा जो फीकल मटेरियल होता है बिली रूबीन और बिली वर्डीन के चलते, बिली रूबीन और बिली वर्डीन के चलते हमारा फीकल मटेरियल क्या होता है, स्मेलिंग होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर गाय भैंस का अगर फीकल मटेरियल देखिए तो स्मेलिंग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके भोजन में प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट बहुत कम होते हैं, लेकिन हमारे भोजन में प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। दाल खाते हैं, पनीर की सब्जी खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, मछली खाते हैं, ये सब क्या है, प्रोटीन का कंस्टिट्यूएंट इसमें बहुत ज़्यादा होता है और प्रोटीन जब ब्रेक होता है तो स्मेलिंग कंडीशन क्रिएट करता है। बच्चों, तो हीमोग्लोबिन के अंदर हीम आयरन होता है जो अलग हो जाता है और ग्लोबुलिन प्रोटीन जब ब्रेक होती है तो स्मेलिंग मटेरियल बिलीरुबिन और बिली वर्डीन बनाती है, इसीलिए हमारा फीकल मटेरियल स्मेल करता है। तो ये कुछ जानकारी रही आरबीसी के बारे में। आरबीसी की जो काउंटिंग होती है पर मिलीलीटर क्यूब ऑफ द ब्लड में, वो 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीलीटर क्यूब ऑफ द ब्लड होता है। और फिर हम सीखते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो बच्चों, डब्ल्यूबीसी के बारे में जो सीखा मैंने, कहा डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट होता है। डब्ल्यूबीसी का दो हिस्सा होता है, क्या क्या, एक होता है ग्रेनुलोसाइट, दूसरा होता है एग्रेनुलोसाइट। जो ग्रेनुलोसाइट होता है, क्या बोला मैंने, जो ग्रेनुलोसाइट होता है उसका तीन हिस्सा, बेसोफिल्स, यूसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। और जो ए ग्रेनुलोसाइट होता है उसका ना होता है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे जो हिस्से दिख रहे हैं डब्ल्यूबीसी के, सारे बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, बस इतना ही याद रखना है, तुम्हें इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, उस चीज़ों को फील करने की कोशिश करें। तो प्लेटलेट्स से हमने हालचाल किया, हमको रास्ते में चाय की दुकान पे प्लेटलेट्स मिल गया। हमने पूछा, भाई तुम्हारा क्या हालचाल? उसने कहा, सर बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मैंने कहा, वाह वाह भाई। फिर मैंने कहा, भाई एक बात बताओ कि तुम्हारी काउंटिंग कितनी होती है ब्लड के अंदर? उसने कहा, सर हमारी काउंटिंग 1.5 to 3.5 लाख
पर मिलीमीटर की वो जब ब्लड होती है। मैंने कहा डेंगू हो जाता तो तू कम क्यों हो जाते हो? कहा सर हम कम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमें मारा जाता है। अच्छा, तो डेंगू के केस में प्लेटलेट्स की काउंटिंग कम हो जाती है, और प्लेटलेट्स जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ ये जो दिख रहा है यहाँ कोई आर्टरीज है, वहाँ हम किसी पिन से छेदा कर दें तो उस छेदे को बंद करने के लिए प्लेटलेट्स आकर के वहाँ ब्लॉकेज क्रिएट करती है, इन ब्लड क्लॉटिंग करती है। यानी कि प्लेटलेट्स का क्या काम है, आरबीसी का काम क्या है, डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, क्लियर है? अब उसके बाद हमारे बॉडी में एक और फ्लूडी मटेरियल पाया जाता है, फ्लूडी मिटाना लेके आते हैं, इसको मिटा दे। एक फ्लूडी मटेरियल पाया जाता है, इस फ्लूडी मटेरियल को पता है क्या कहते हैं, इस फ्लूडी मटेरियल को लिम्फ कहते हैं। अब लिम्फ के बारे में एक बड़ी चर्चा वाली बात है, क्या होता है लिम्फ। हाँ, मैं क्लास में पढ़ा रहा था, एक बच्चा दूसरे बच्चे के कान में फुसफुसाया, ये लिम्फ क्या होता है, वो हमसे पूछेगा। मैं रुक भाई बता रहा हूँ, थोड़ा पेशेंट रख है, तो पेशेंट यार आता है मेरे को नहीं सर। तो लिम्फ जो है, ये जो लिम्फ है बच्चों, ये लिम्फ जो होता है वो कह सकते हो कि जो ग्रुप ऑफ सेल हैं, ग्रुप ऑफ सेल के चारों तरफ एक फ्लूडी मटेरियल पाया जाता है, और ये फ्लूडी मटेरियल कहीं ना कहीं ग्रुप ऑफ सेल्स या फिर आर्टरी जो अगल बगल हैं उनसे थोड़ा बहुत फ्लूड क्या होता है, सिक्रीट होकर के इसमें आता है। और लिम्फ का जो कंपोजिशन होता है, खून माइनस आरबीसी प्लस प्रोटीन, खून में से प्रोटीन और ब्लड, खून मतलब ब्लड, खून में से आरबीसी और प्रोटीन को क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, जो बचा वो लिम्फ होता है। एक बच्चे ने कहा सर लिम्फ का काम क्या होता है, मैंने कहा बेटा लिम्फ का काम होता है ब्लड और हमारे टिश्यू के अंदर एक्सटेंड ऑफ मटेरियल में बहुत अच्छा रोल होता है इसका, यानी एक ब्रिज की तरह काम करता है, आर्टरी यानी कि जो हमारा ब्लड है और हमारे टिश्यू के अंदर हमारे सेल के अंदर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में हेल्प करता है, एक पाथ है, एक ब्रिज है जिससे हमारे आर्टरी और हमारे सेल के अंदर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। चीजें फील आ रही है, नहीं आए तो पूछा करो, थोड़ा कमेंट कर दिया करो, है ना, ताकि हमें भी लगे कि हम कुछ पढ़ा पा रहे हैं। दिन भर टर इतना एनर्जी लगा करके वीडियो बनाते हैं और कोई कमेंट ही नहीं करता है, अरे आया तो सर ठीक है समझ में आ गया, नहीं आया तो पूछो भाई, तब ना पूछो, हमको भी फील आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। तो लिम्फ जो है जिस पाथ में चलता है, जिस ट्रैक पे चलता है, उससे हम लिम्फ वेसल्स कहते हैं, या फिर इसके पापा ने इसका नाम लिम्फ VSCL वेसल्स कहते हैं, इसका नाम इसके पापा ने लिम्फ वेसल रखा। और आप तो जानते हैं द्वंद्व युद्ध होता रहता है, मम्मी ने कहा ना ये नाम ठीक नहीं है, तब इसका दूसरा नाम रखा गया लैक्टियल्स। क्या नाम रखा गया बच्चों, लैक्टियल्स रखा गया। लैक्टियल्स वो पाथ होता है जिसमें लिम्फ वेसल मूव करती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, छोटे छोटे बहादुर बच्चों, ये जो आर्टरी होती है, जो लिम्फ होता है, जो लैक्टियल्स होता है, इस लैक्टियल में क्या होता है, इस लैक्टियल्स में फैट का एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, फैट का एब्जॉर्प्शन होता है, जिसके बारे में हम कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं। कहाँ पढ़े भैया, डाइजेशन चैप्टर में पढ़े हैं, हमने बताया है कि जो फैट का एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारे लैक्टियल्स में होता है। अगर इतनी बातें क्लियर हो गई तो लिम्फ और ब्लड के बारे में चर्चा हो गया। अब हम सीखेंगे ह्यूमन के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम यानी हार्ट के बारे में। हार्ट का नाम सुनते ही व्हाट इज अ हार्ट, हार्ट इज अ टाइप ऑफ पंपिसेट विच हेल्प इनटू द पंपिंग खून। हार्ट क्या है, एक तरह का पंपिंग मशीन है जो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। एक ने कहा काहे पंप करता है, मैं कहा भैया पंप नहीं करेगा तो एक पार्ट ऑफ बॉडी से दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी में खून नहीं जाएगा, और खून नहीं जाएगा तो कहीं ना कहीं जो मटेरियल है जो एक पार्ट ऑफ बॉडी से दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी को पहुंचा रहे हैं, मान लो हार्मोन है, एक हार्मोन बनता है पेनक्रियाज में और उसका यूज है ब्लड के अंदर, एक हार्मोन लीवर के अंदर बनता है उसका कहीं दूसरे जगह यूज है, हार्मोन एक जगह बनता है दूसरे जगह काम होता है, हैं? बताया जाता है भैया हार्मोन और एंजाइम में क्या अंतर होता है, एंजाइम जो होता है जहां बनता है वही काम करता है, जो हार्मोन होता है जहां बनता है वहां काम नहीं करता, दूसरे जगह काम करता है। इसके बारे में हम एक नया चैप्टर पढ़ाएंगे, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, तो डिटेल में समझाएंगे, बट अब इतना जान लीजिए कि हार्मोन जहां बनता है वहां काम नहीं करता है, लेकिन जो एंजाइम है जहां बनता है वही काम करता है। तो जो जहां बनता है, आप बनारस में रहते हो, काम दिल्ली में कर तो कैसे जाओगे, पैदल से जाओगे, साइकिल से जाओगे, कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जाओगे ना भैया, जो जल्दी पहुंचा दे, तो जल्दी पहुंचाती है ट्रेन, फ्लाइट, इससे जाएंगे आप,
ऐसे ही जाते हैं ना। तो उसी तरह से किसी एक पार्ट ऑफ द बॉडी से मटेरियल को किसी दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी में अगर आपको पहुंचाना है तो आप ब्लड में बैठेंगे और ब्लड में बैठ के जहां पहुंचना है वो चाहे चले जाएंगे, वहां उसको रिसीव कर लिया जाए। फील आ रहा ओके। हार्ट की बात करते हैं, हार्ट की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो हमारा हार्ट जो होता है वो 250 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम का होता है हार्ट हमारा, और साथ में यानी ह्यूमन यानी कह लीजिए मैमल्स का हार्ट, मैमल्स का हार्ट और बर्ड का हार्ट, बर्ड बी आई आर बर्ड का जो हार्ट होता है वो चार चेम्बर्ड होता है, और चार चेम्बर होने के साथ साथ इसके अंदर कंप्लीट कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है बच्चों ध्यान रखना, हमारे जो हार्ट के अंदर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। इतने कहा किसके अंदर कंप्लीट नहीं होता है आपको बता रहा हूँ भैया। तो देखो भैया यहाँ हमने लिखा है ये है फिश, जो फिश है मछली, फिश मतलब मछली, फिश जो होती है उसके अंदर सिंगल सर्कुलेशन होता है जिसको हम सिर्फ सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं, इसके अंदर एक ऑर्किल और एक वेंट्रिकल होता है, बॉडी पार्ट से इंप्योर ब्लड इसके ऑर्किल और वेंट्रिकल में जाता है, जैसे ही इसके हार्ट में जाता है हार्ट पंप करता है, खून दौड़ता दौड़ता गिल्स के पास आता है, प्योर हो जाता है, और प्योर होने के बाद फिर कहाँ चला जाता है बॉडी पार्ट में चला जाता है, और जब फिर बॉडी पार्ट में चला जाएगा बच्चों कहाँ चला जाएगा बॉडी पार्ट में जब चला जाएगा कहाँ चला जाएगा बच्चों बॉडी पार्ट में जब चला जाता है तो फिर वहां से इम्प्योर ब्लड फिर हमारे कहीं ना कहीं हमारे हार्ट में कलेक्ट कर लिया जाता है। इस तरह जो फिशेस होती हैं उनके अंदर टू चैम्बर हार्ट पाया जाता है। बात अगर फिशेस के अलावा हम एम्फीबिया की करें, ठीक है कहाँ लिखे यहाँ, चलिए एम्फीबिया और रेप्टीलिया की बात कर लेते हैं। तो एम्फीबिया और जो रेप्टीलिया होते हैं इनके अंदर तीन चैम्बर हार्ट पाया जाता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल और एलिजेटर, क्रोकोडाइल और एलिजेटर के अंदर फोर चैम्बर हार्ट पाया जाता है, ये मान लीजिए ऑर्किल और ये हो गया वेंट्रिकल, ठीक है, और ये हो गया आपका सॉरी ये हो गया वेंट्रिकल और ये मान लीजिए लेफ्ट वाला, ये हो गया राइट वाला, ये हो गया लेफ्ट वाला हाँ, और ये हो गया वेंट्रिकल। तो होता क्या है कि बॉडी पार्ट से जो खून होता है वो राइट पार्ट में डिपोजिट होता है, और गिल्स से या स्किन से या फिर लंग्स से जो ब्लड प्योरिफाइड होता है वो चला जाता है लेफ्ट पार्ट। अब इस तरह से लेफ्ट पार्ट में प्योर ब्लड और राइट पार्ट में इंक्लूड प्योर ब्लड आकर के मिल जाता है, और मिलने के बाद फिर बॉडी पार्ट में आता है। इस तरह से इसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है एम्फीबिया और रेप्टिलिया के बारे में। मिटा रहे चलिए मिटा रहे आपको बनाना होगा पॉज करके बना लीजिएगा वीडियो, हमारे पास ऐसी सुविधा नहीं है तो मिटाते भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम सीखेंगे ह्यूमन के बारे में। ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो फोर चैम्बर होता है, थोड़ा हम एक रफ डायग्राम बनाएंगे ह्यूमन का हार्ट का, ये कुछ ऐसा हो गया ये ऐसा हो गया ठीक है, और ये हो गया ह्यूमन का हार्ट ये ऐसा हो गया, और ये जो इधर वाला हिस्सा होता है थोड़ा बड़ा होता है, ये थोड़ा ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, यहाँ बाइकस्पिड वाल्व होता है जिसको मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं, ठीक, यहाँ भी वाल्व पाया जाता है। वाल्व का काम क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनिमेटर, यहाँ वाल्व पाया जाता है जिसका नाम है सेमी लूनार वाल्व है, ठीक है। फिर ये जो है जाकर के ओपन होता है हमारे लंग्स में, ठीक है, ये हमारा लंग्स है, ठीक है, लंग्स इसको बोलते हैं राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे बड़ा हिस्सा होता है हमारे हार्ट का, ये हो गया हमारा बॉडी पार्ट, दिख रहा है ठीक है, ये हो गया हमारा बॉडी पार्ट। अब बॉडी पार्ट से क्या होता है,
ब्लड कलेक्ट होता है। ब्लड का कलेक्शन का काम जो है हमारे शरीर में वेन को दिया गया है। किसको दिया गया बच्चों? अभी पढ़ाएंगे वेन और आर्टरी में अंतर, है ना, वेन और आर्टरी में डिफरेंस पढ़ाएंगे। अभी अभी ह्यूमन बीइंग के अंदर डबल सर्कुलेशन के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो वेन हो गया। अब वेन में क्या होता है? वाल्व पाया जाता है, ठीक है, जो बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके ऊपर ले जाता है और ऊपर जा करके वो वाल्व पाया जाता है, एक डायरेक्शन में ब्लड को ले जाता है, पीछे ब्लड नहीं आ सकता। और बॉडी पार्ट में जो ब्लड है वो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से आ जाता है एरोटा के थ्रू, ठीक है। और ये जो लंग्स दिख रहा है, यहां से ब्लड प्योरीफाइड होकर के हमारे राइट लेफ्ट आर्टरी में चला जाता है। इस तरह से ये जो हिस्सा दिख रहे हैं इसको बोलते हैं ये जो है ये वेन है, ठीक है, और ये है आर्टरी, ठीक है। और इस आर्टरी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी, हाँ, और इसका नाम है पल्मोनरी वेन, इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी और इसका नाम है पल्मोनरी वेन। अब ये जो हिस्सा दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ये बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं इसको? पल्मोनरी सर्कुलेशन। और ये जो दिख रहा है बॉडी पार्ट वाला हिस्सा, यानी ये और ये दिख रहा है, ये वेन है और आर्टरी है, इसको बोलते हैं हम लोग सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इस तरह से हमारे हार्ट के अंदर दो हिस्से में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, इसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। कैसे होता है? पात्र को फ्री करते हैं, खून हमारे बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड, यानी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा और ऑक्सीजन की कम होती है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे सेल के अंदर एरोबिक रिस्पायरेशन होता है और एरोबिक रिस्पायरेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो कि एक मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, और भी बहुत सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं। पहले तो ये रिसीव करके हमारे जो है राइट पार्ट ऑफ द हार्ट में आता है। यहाँ जैसे ही ब्लड फील होता है, यह है ट्राइकस्पिड वाल्व जो कि नीचे तो ब्लड आने देगी ऊपर नहीं जाने देगी, खून हमारे राइट वेंट्रिकल में आता है, इम्प्योर ब्लड होता है, ये इम्प्योर ब्लड हमारे आर्टरी से होते हुए जाता है लंग्स को। आर्टरी का काम होता है ब्लड का सप्लाई और वेन का काम होता है ब्लड का कलेक्शन। पहले हम यही जान लेते हैं आर्टरी और वेन में डिफरेंस क्या होता है। आर्टरी हो गया और वेन्स हो गया। मेरे प्यारे बच्चों बहुत आसान सा बात है, देखो जो आर्टरी होता है वो हमेशा, आर्टरी के बारे में एक चीज दिमाग में रखिएगा, ऑलवेज सप्लाई ब्लड। क्या करती है बच्चों? आर्टरी हमेशा ब्लड क्या करती है? सप्लाई करती है। और वेन हमेशा ब्लड क्या करती है? कलेक्ट करती है, पहली बात। दूसरी बात, सभी आर्टरी, ऑल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, लेकिन एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। वेन जो होता है, सभी वेन क्या करती हैं? ब्लड को कलेक्ट करती हैं, ठीक है, एक्सेप्ट सभी वेन क्या करती हैं? ब्लड को कलेक्ट करती हैं, और सभी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब बता दें जो आर्टरी की ल्यूमेन होती है, ल्यूमेन मतलब मोटाई, वो थिक होती है, और वेन की क्या होती है? थिन होती है। आर्टरी के अंदर जो बीपी ब्लड प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है, और वेन के अंदर ब्लड प्रेशर क्या होता है? कम होता है। बिल्कुल चार बातें हैं आर्टरी और वेन के बारे में जो जैसे हमें याद है वैसे आपको भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसको बना लीजिएगा, कॉपी पे छाप लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। ये अब हो गया हमारा ह्यूमन के अंदर डबल सर्कुलेशन। कैसे होता है डबल सर्कुलेशन? चीजों को फील करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों हुआ क्या,
बॉडी पार्ट से ब्लड राइट आर्टरी में गया। यहां देखिए पाया जाता है एसए नोड, यहां पाया जाता है एसए नोड जो हमारे हार्ट को एक रिदमिक कंट्रैक्शन क्रिएट करता है। हमारा हार्ट एक मिनट में, हमारा हार्ट विद इन वन मिनट, एक मिनट में 72 टाइम धड़कता है, 72 टाइम हार्ट बीट हमारा क्रिएट होता है एक बीट में, यानी एक बार में हमारा हार्ट 70 ml ब्लड को पंप करता है। कितना पंप करता है बच्चों? 70 ml ब्लड को पीयूएमपी पंप करता है। इस तरह से अगर 72 को 70 ml से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑन एवरेज 5 लीटर ब्लड हमारा हार्ट एक मिनट में पंप कर देता है। यानी एक मिनट में हमारा हार्ट सारा खून जितना शरीर में है सब क्या कर देता है? पंप कर देता है। एक बच्चे ने बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन मेरे से पूछा, बट उसका आंसर बड़ा टफ था। पूछा, सर शरीर का सभी ऑर्गन बीमार हो जाता है, थक जाता है, हार्ट क्यों नहीं थकता? मैंने कहा बेटा हार्ट के अंदर हमेशा एरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है और शरीर में वही हिस्सा थकता है जिसमें एनरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से राइट आर्टरी से राइट वेंट्रिकल, फिर उसके बाद पल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में ले जाती है, लंग से ब्लड कलेक्ट होता है, प्योर ब्लड वो राइट आर्टरी में आता है। सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो हार्ट का वो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इसमें ब्लड कलेक्ट होता है, पंप किया जाता है, पंप करके बॉडी पार्ट में आ जाता है। अब देखिए हार्ट के अंदर जब सिकुड़न होती है यानी कि सिस्टोल होता है, तो जब हार्ट सिस्टोल होता है तो 120 मिलीमीटर मरकरी का प्रेशर क्रिएट करता है, और हार्ट जब डायस्टोल होता है यानी कि फैलता है, डायलेट होता है, सिस्टोल मतलब सिकुड़ना, डायस्टोल मतलब फैलना, समझ में आ रहा है? तो जब डायस्टोल यानी कि जब फैलता है तब 80 का प्रेशर ये क्रिएट करता है। इस तरह से आप अगर एक स्टैंडर्ड वैल्यू देखिए तो आपके ब्लड का प्रेशर 120/80 यानी सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक रिप्रेजेंट किया जाता है। ब्लड प्रेशर जिस इंस्ट्रूमेंट से आपके बॉडी में मेजर किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या नाम है? स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर बात किया जाए आपके हार्ट की एक्टिविटी को स्टडी करने के लिए, तो आपके हार्ट की एक्टिविटी को स्टडी करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसका नाम है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है हमें वो डिजाइनिंग मिलती है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम क्या करते हैं ब्लड को सॉरी हार्ट की एक्टिविटी को नजर करते हैं। डिटेल में हम क्लास 11 के चैप्टर में पढ़ते हैं, क्लास 11 के फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, बट इतना जान लीजिए कि हार्ट की एक्टिविटी को जो स्टडी करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हार्ट की एक्टिविटी को स्टडी करने में हेल्प यूज किया जाता है उसका नाम है ईसीजी। समझ में आ रहा है? तीसरी चीज जो हमारा हार्ट बीट है, जो हमारा हार्ट बीट है, हार्ट बीट जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है उसका नाम है स्टेथोस्कोप, यानी कि जो डॉक्टर साहब लोग गले में लटकाए रहते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज स्टेथोस्कोप, जो कि हमारे हार्ट के बीट को मेजर करता है। ठीक है, अच्छा 500 ml 5 लीटर हमारे हार्ट का हार्ट एक मिनट में जो है पंप करता है, एक मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप करता है जिसको हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर हार्ट। ठीक है, हार्ट के बारे में इतनी सारी जानकारी रहे, इतना छापिए फिर थोड़ा बहुत जानकारी हम आपको देते हैं। थोड़ा सा हम हार्ट डिजीज के बारे में और ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बात करेंगे। तो हमारे बॉडी में कुल हार्ट में जो कुल बीमारियां होती हैं, जैसे हार्ट में ब्लॉकेज होता है, हार्ट में ब्लॉकेज जो होता है, हार्ट में ब्लॉकेज जो होता है उसके भी बड़ी केसेस हैं। एक टर्म आता है एंजाइना, एंजाइना का मतलब होता है हार्ट में हल्का हल्का दर्द होना। होता क्या है, हार्ट को जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, हार्ट को जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है उस आर्टरी का नाम होता है, बताइए, उस आर्टरी का नाम होता है कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी। अब इस कोरोनरी आर्टरी में अगर गलती से कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगता है, जब कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगता है
तो यही आर्टरी में ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है, रास्ता बंद हो जाता है, और रास्ता बंद होने के चलते जब हार्ट को इनसफिशियंट ब्लड सप्लाई होती है, हार्ट को जब इनसफिशियंट ब्लड सप्लाई होती है तो हार्ट में दर्द होना शुरू होता है, हल्का हल्का मीठा मीठा जिसको दर्द कहते हैं, हम उसे एंजाइना कहते हैं। ठीक है, अब हार्ट में कुल कई केसेस होते हैं। अचानक अगर हमारा हार्ट चलते चलते रुक जाए तो उसके पीछे अलग चीज होता है। एक केस आता है हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर का मतलब होता है, हार्ट फेल्योर का मतलब समझते हैं, हार्ट फेल्योर का मतलब होता है कि जब हमारा हार्ट इनसफिशियंट ब्लड क्या करे, हमारा हार्ट इनसफिशियंट ब्लड क्या करे, सप्लाई करे। जब हमारा हार्ट इनसफिशियंट ब्लड सप्लाई करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट फेल्योर कहते हैं। यानी जितना अच्छे से ब्लड पंप करना चाहिए उतने अच्छे से हमारा जब हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हार्ट फेल्योर कहते हैं। एक बीमारी होती है कार्डियक अरेस्ट। क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में अचानक हार्ट क्या होता है, धड़कना बंद हो जाता है, हार्ट स्टॉप बीटिंग। हार्ट स्टॉप बीटिंग, जब हार्ट बीटिंग बंद कर दे तो इस बीमारी को हम लोग कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, एक बीमारी होती है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक ऐसी बीमारी है व्हेन हार्ट मसल इज सडनली ड्यू डैमेज, है ना। हार्ट अटैक जो होता है वो ऐसी बीमारी होती है, हार्ट अटैक, के डबल अटैक, जिसमें क्या होता है, सडन डैमेज ऑफ हार्ट मसल। ठीक है, सडन डैमेज ऑफ हार्ट मसल्स, जिसको हम क्या कहते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं। सडन डैमेज इसलिए होता है, इन ए डिक्यूट सप्लाई ऑफ ब्लड, जब इन ए डिक्यूट सप्लाई ऑफ ब्लड होता है तो हमारा हार्ट मसल सडन डैमेज। एंजाइना मतलब हार्ट में मीठा मीठा हल्का हल्का दर्द। हार्ट फेल्योर मतलब हार्ट जितना पंप कर पा रहा था 70 ml पर कर पाता है, अब 50 ml कर पाए उसको हार्ट फेल्योर कहते हैं। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है हार्ट सडनली स्टॉप बीटिंग, जो बीट कर रहा होता है, यानी जो ऐसे नोड होता है जो हार्ट बीट क्रिएट करता है, ऐसे नोड होता है, साइनो ऑरिकुलर नोड बोलते हैं। एक और नोड होता है इसको पेस मेकर कहते हैं। ऐसे नोड को आपके मार्केट में पेस मेकर कहा जाता है। ठीक है, ये हार्ट बीट क्रिएट करता है। अब हार्ट अटैक का मतलब होता है जब हार्ट को इनसफिशियंट ब्लड सप्लाई होती है तो हार्ट की मसल मरना शुरू होती है, इसी को हार्ट अटैक कहते हैं। तो हार्ट की कुछ बीमारियां रही जिसके बारे में आपने सीखा। अब हम आपको 2-3 मिनट में ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम बताते हैं। देखो बच्चों, ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम क्या है, हमारा जो आरबीसी होता है उसके ऊपर एक स्पेशल तरह की शुगर पाई जाती है, इस शुगर को एंटीजन कहते हैं। एंटीजन मतलब एक ऐसी केमिकल जो हमारे बॉडी में क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स करे, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करे, उसको हम एंटीजन कहते हैं। अगर किसी इंसान के अंदर अगर हार्ट के, हमारे जो आरबीसी है, आरबीसी के अंदर दो तरह की शुगर के पाए जाने की संभावना होती है। ठीक, अगर A9 की अगर एंटीजन पाई जाती है, अगर हमारे जो है ब्लड के अंदर ए नाम की शुगर पाई जाती है, आरबीसी के ऊपर ए नाम की शुगर पाई जाती है, तो वो ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर एंटीजन बी पाई जा रही है मतलब उसका ब्लड ग्रुप होगा बी होगा, यानी ए एंटीजन बी एंटीजन, यानी कि अगर ए नाम की शुगर पाई जा रही है तो मात्र ए नाम वाला ही इसको क्या करेगा, ब्लड डोनेट कर पाएगा। बी नाम की एंटीजन पाई जा रही है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा, यानी बी वाला ही खाली इसको क्या कर पाएगा, ब्लड दे पाएगा। अब अगर एंटीजन दोनों, यानी ए और बी दोनों हो, तो उसका ब्लड ग्रुप का नाम हो जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप, यानी सिर्फ और सिर्फ इसको ए बी वाला क्या करेगा, ब्लड दे पाएगा। और एंटीजन नहीं हो तो जीरो ब्लड ग्रुप, एंटीजन एब्सेंट हो तो उसको जीरो ब्लड ग्रुप या ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं। ठीक, अब एक बात याद रखेंगे, अब हमारे शरीर में इन सभी एंटीजन के अलावा एक आरएच एंटीजन पाया जाता है। आरएच एंटीजन पाया जाता है, यह डिसाइड करता है अगर हमारे ब्लड के अंदर अगर आरएच एंटीजन पाया गया, मान लीजिए ए भी है और आरएच एंटीजन है तो ए पॉजिटिव, और ए में आरएच नहीं है तो ए नेगेटिव, बी है और बी में आरएच है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव, ए है सॉरी ए बी है और अगर उसमें आरएच है आरएच पॉजिटिव और नहीं है तो ए बी नेगेटिव, और अगर ओ है उसमें आरएच फैक्टर यानी आरएच एंटीजन है लेकिन ए बी जो शुगर वाली एंटीजन है वो नहीं है, ओ पॉजिटिव
और अगर नहीं है तो ओ नेगेटिव। दुनिया में सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव होता है। दुनिया में सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप क्या होता है? ए बी नेगेटिव होता है। ठीक है, अब एंटीजन ये है तो एंटीबॉडी क्या होगी बच्चों? जो एंटीबॉडी होती है जस्ट उल्टा होती है, ए वाले के पास बी एंटीबॉडी, बी वाले के पास ए एंटीबॉडी, ए बी वाले के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है और जो ओ वाला होता है उसके पास दोनों एंटीबॉडी था। जैसे हमें याद है वैसे याद रखिएगा, हम जेनेटिक्स में इसके बारे में डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई दिशा, एक नए जोशो जुनून और एक नई एनर्जी के साथ अगले वीडियो में, जिसमें हम एक्सक्रीशन सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।